सबसे पहला जो हमारा कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में है दैट इज जो आपने डिस्क्रीट में भी किया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया था डिस्क्रीट में, सेम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे, वहां पे क्या था आपके पास, याद है कुछ स्टेटमेंट क्या थी? यस मैम, क्या थी बताओ? इक्वली लाइकली इवेंट्स चाहिए था मैम, और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो था हमारे पास 1/n था, जहाँ पे x इज इक्वल टू 1 to up to n जा रहा था, 0 अदरवाइज, ये था ठीक है। यस, डिस्क्रीट में आपके पास ये बना था। अब कॉन्टिन्यूस में क्या जाएगा, कॉन्टिन्यूस में ये वैल्यूज तो रहेंगे, कॉन्टिन्यूस में कोई इंटरवल रहेगा आपका, से इंटरवल वाइज हम देख सकते हैं, तो इसमें जो आंसर आएगा दैट इज डिफरेंस ऑफ द एंड पॉइंट 1/b-a, ये आपके पास यहाँ पे बनेगा, अदरवाइज 0। f ऑफ x a b, यहाँ दो पैरामीटर जो है आपके a और b है, एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा आपका जो भी इंटरवल है 1/b-a, अदरवाइज 0, ये आपका यहाँ पे चलता है। जैसे कि अगर हम बात करें इसका, हम फिगर प्लॉट करें तो आपको और क्लियर होगा। देखो फिगर कैसे बनेगा इसका, हम क्या कह रहे हैं कि ए से बी के बीच में तो एक फिक्स आंसर है 1/b-a, मतलब से ये आपका एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है, 0 पॉइंट हो गया, तो ये ए है ये बी है, ए से बी के बीच में सेम आंसर है 1/b-a, से दिस इज 1/b-a, बाकी सब जगह पे आंसर क्या है 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो ये एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है कि उस इंटरवल में यूनिफॉर्म वैल्यू रख रहा है, सेम वैल्यू रख रहा है, जैसे वहां पे सेम वैल्यू थी 1/n डिस्क्रीट में, यहाँ सेम वैल्यू क्या 1/b-a। और अगर हम ध्यान से देखें तो x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b तक जा रहा है, ये आपका आ रहा है एफ एक्स, तो हमारे पास ये कुछ रेक्टेंगुलर टाइप फिगर बन जाएगी, तो इसको हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हमें इसका कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना पड़े तो क्या आएगा, कैसे निकालते, तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर एफ दे रखा हो उससे कैपिटल एफ निकालना हो, ऐड करते थे डिस्क्रीट में, अब क्या करेंगे इंटीग्रेट करते हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो जब हम इधर से निकालेंगे कैपिटल एफ एक्स, तो ए से बी के बीच का अगर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं तो माइनस इनफिनिटी से बी तक का आंसर आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स, यही आंसर आएगा। तो एफ एक्स के लिए माइनस इनफिनिटी से ए तक तो जीरो है, तो वो लिखने की नीड नहीं है, ए से बी लिखेंगे सिर्फ 1/b-a dx, इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 1/b-a बाहर आएगा, एक्स के ऊपर लिमिट लग जाएगी ए से बी, ऐसे कुछ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमें ए से बी नहीं रखना था, हमें क्या करना होता है, ए से बी के बीच का कोई नंबर एक्स, अगर आपको ध्यान हो एक्स यहाँ रखते थे, ये ए से बी पे तो आप कंप्लीट इंटीग्रेशन करने लग गए, इसका आंसर तो 1 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, पीडीएफ का आंसर 1 होता है, तो यही जो छोटी गलती बार बार हर कोई करता है, इस गलती से आपको बचना, आपको एफ एक्स का आंसर निकालना है, ये एक्स पॉइंट है, तो एक्स पॉइंट ए से बी के बीच में तो हम क्या कहते थे कि एक्स तक करना है, ये देखो माइनस इनफिनिटी से एक्स तक इंटीग्रेट करना, तो वही हमने किया, माइनस इनफिनिटी से ए तक 0, देन ए से एक्स, ए से एक्स आपको लिमिट लगाओगे क्या आंसर आएगा, एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, और अगर आप बी से कोई नंबर बड़ा लोगे, एक्स अगर आप ग्रेटर देन ले रहे हैं बी, तो फिर कंप्लीट ही आ जाएगा, एक्स बी तक चला गया अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस इनफिनिटी से 0 में ब्रेक, सॉरी ए में, देन ए से बी में, देन बी से एक्स, ये आएगा, अब यहाँ तक आंसर 1 आ गया और ये 0, तो 1 आंसर आ गया यहाँ पे, और इस वाले में आएगा 0, ये आपको बहुत डीप में मैंने निकालना सिखाया था जब हमने पीडीएफ से सीडीएफ निकाले थे, तो वही हमने यहाँ पे किया, याद है ना सबको, दोनों को बताओ, यस मैम, चलिए तो ये हो जाएगा आपसे, सीडीएफ निकल जाएगा। अब इस सीडीएफ को जरा सा हम प्लॉट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कैसा डिस्ट्रीब्यूशन शो होगा, इसका ग्राफ कैसा दिखेगा। कॉन्टिन्यूस में ग्राफ बनाने में बहुत बेनिफिट्स रहते हैं, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में आप ग्राफ के थ्रू काम इजीली देख पाते हैं, अपने फिगर से एक इमेजिन कर पाते हैं, ठीक है ना,
इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें, ए एक तो पॉइंट है, एक बी पॉइंट, और एक बी से आगे वाले पॉइंट्स के लिए कुछ आंसर है। तो बी से आगे तो सभी का आंसर कितना है, वन, से दिस इज वन, ये वन है पॉइंट। एक्स लेस देन एक्स, अगर आपका ग्रेटर देन ए है, मतलब ए से हम इधर वाले जो पॉइंट है इसकी तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं, एक्स लेस देन ए, इन पॉइंट्स को देख रहे हैं हम, तो एक्स लेस देन ए वाले में अगर हम देखें तो ये सारा आंसर है जीरो। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ए से बी के बीच में आपको इसका ग्राफ बनाना है, ये कुछ इस टाइप का। अगर हम ध्यान से देखें, एक्स बाय बी माइनस ए माइनस ए बाय बी माइनस ए, से दिस इज सम कॉन्स्टेंट ए, दिस इज सम कॉन्स्टेंट बी। तो ए एक्स प्लस बी का टाइप का ग्राफ कैसे बनता है आपका, पॉइंट्स निकालो, स्ट्रेट लाइन है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे एक बार तो वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस ए बाय बी माइनस ए, और ऐसे ही अगर आप वाई की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू ए आ जाएगी, मतलब यहाँ पे भी आएगा ये वाला ग्राफ, ठीक है ना, और बी पुट करोगे फाइनल पॉइंट तो वन आ रहा आंसर, तो यहाँ तक जाएगा ना, ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये ग्राफ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली, तो ये ग्राफ आपका जेड शेप का कुछ बन गया है। अगर आपने ध्यान से देखा हो, इसका जो पीडीएफ आया था वो तो रेक्टेंगुलर टाइप फॉर्म में आया था, लेकिन जो सीडीएफ है पहले आपका बिल्कुल जीरो पे, देन थोड़ा सा ऊपर गया, देन और ऊपर, और वैसे भी नॉन डिक्रीजिंग होता है वो हमें दिख ही रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सीडीएफ का ग्राफ है। तो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा ग्राफ को भी एनालाइज साथ साथ करके चल रहे हैं। तो पहला हमने किया रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं। देखो अगर आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसके बीच में बनाना हो तो बताओ क्या बनेगा, इसमें मुझे एफ एक्स का आंसर बताओ क्या आएगा, कैसे लिखूं हम मैं, क्या बताया था, वन बाय डिफरेंस ऑफ एंड पॉइंट, कितना आएगा डिफरेंस ऑफ एंड पॉइंट, वन बाय टू है। तो मतलब जिस भी इंटरवल में ये बात कर रहा है, आपको कोई भी इंटरवल हो सकता है, वो ए से बी माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होना चाहिए, इन्फिनिटी से लेस होना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपका इसका क्या बनता है, डेंसिटी फंक्शन। इसका डेंसिटी फंक्शन सिंपल वन माइनस वन बाय बी माइनस ए बनता है इन दिस इंटरवल जो हमने पढ़ा है, दैट इज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये पढ़ा था हमने। देखो हिमांशी क्लियर हुआ कुछ, यस मैम, ठीक है। तो ये होता है आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए जैसे हम वहां पे मीन और वेरियंस निकालते थे, यहाँ पे मीन और वेरियंस निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं हम इसके अंदर मीन, मीन क्या होता है आपका म्यू वन डैश, विच इज इक्वल टू किसके इक्वल आता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, समीशन एक्स डी एक्स आप लेते थे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, समीशन एक्स एफ एक्स। अब आपका कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो इंटीग्रेशन एक्स एफ एक्स डी एक्स यही आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब माइनस इन्फिनिटी से जीरो ए तक आंसर तो जीरो, ठीक है ना, अगर मैं इसको ब्रेक भी कर लूँ, यहाँ जाएगा एक्स इंटू जीरो डी एक्स, देन ए से बी लोगे उसके अंदर आंसर है वन बाय बी माइनस ए, और देन अब बी से इन्फिनिटी लोगे उसके अंदर आंसर है जीरो एफ एक्स का। हमने ब्रेक कर लिया इसको, पहला तो आपका जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, सिर्फ ये वाला बचा, तो वन बाय बी माइनस ए आ गया बाहर। इसका इंटीग्रेशन करो कितना आएगा एक्स का, एक्स स्क्वायर बाय टू, लिमिट लगाओगे ए से बी, तो आंसर देखो ऊपर पुट करोगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे पुट है ये हमारे पास बी माइनस ए, इसको ओपन कर सकते हैं बी माइनस ए बी प्लस ए में, तो इसकी जगह लिख दी हमने ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा बी प्लस ए बाय टू। तो ध्यान से देखो मीन क्या निकल के आ रहा है आपका, उन ए बी का ही मीन निकल के आ रहा है, एंड पॉइंट्स का ही मीन निकल के आ रहा है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का नाम ऐसे यूनिफॉर्म नहीं रखा गया, कुछ उसके अंदर क्वालिटीज है, यूनिफॉर्म टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन जैसी क्वालिटीज है कि एंड पॉइंट का सम ही मीन आ गया, डिफरेंस एंड पॉइंट से निकला है। एक सेकेंड रुकना भी,
चलिए तो ये आया है इसका मीन। देखो अगर मैं यहाँ पे म्यू टू डैश निकालती तो फर्क क्या आता, जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स स्क्वायर आ जाता और इंटीग्रेशन करने पे एक्स क्यूब बाय थ्री आ जाता। ऐसे एक्स क्यूब लेते थे एक्स फोर बाय फोर, मतलब अगर हम इन जनरल म्यू आर डैश निकाल रहे हैं तो सिंपल सी बात ये हो जाएगी यहाँ पे एक्स की आर वन बाय बी माइनस ए डी एक्स ये बन जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे एक्स की आर प्लस वन बाय आर प्लस वन वन बाय बी माइनस ए बैठे और इस पर लिमिट ए से बी लगेगी, तो मतलब इन जर्नलाइजेशन में हम म्यू आर डैश निकाले तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा इसके अंदर अपना, हम इजीली निकाल सकते हैं, हमारे लिए काम आसान है इसके अंदर। तो एक बार म्यू टू डैश निकालेंगे हम, म्यू टू डैश क्या आएगा आपका बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाय थ्री इंटू बी माइनस ए, यही आएगा। यहाँ से क्या आ गया आपका, ऊपर से अगर अलग अलग करें बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, आती है ना वाली एक्सपेंशन को ऑनली ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे से कैंसिल हो गया बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर अपॉन थ्री, ये आपके पास क्या आ चुका है यहाँ पे म्यू टू डैश। हमें निकालना था वेरियंस, तो देखते हैं वेरियंस क्या आएगा इसका, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। म्यू टू डैश आपका निकला वन बाय थ्री बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, तो म्यू वन डैश आया था मीन इसका स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे साफ साफ दिख रहा है आपको वन बाय थ्री बी स्क्वायर वन बाय थ्री ए बी प्लस वन बाय थ्री ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा वन बाय फोर बी स्क्वायर वन बाय फोर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, ऐसा ही होगा। तो टू ए बी जब आप करेंगे तो सिंपल बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि टू एक सेकेंड टू ए बी हाफ भी आएगा साथ में, हाफ भी आएगा ना, क्यों आएगा हाफ, आप यहाँ से देख सकते हैं कि हाफ ऑफ बी और हाफ ऑफ ए टू इंटू वन बाय टू इंटू वन बाय टू, एक हाफ नीचे बचेगा। तो इसको जब हम ऑल ओवर सॉल्व करेंगे वन बाय थ्री और माइनस वन बाय फोर बी स्क्वायर कितना बन जाएगा, ये वन बाय ट्वेल्व बी स्क्वायर, ऐसे ही हमारा यहाँ से कहीं पे कुछ वो तो नहीं हुई है भाई, टू ए बी यहाँ पे बी और ए आना था, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड भाई थोड़ा सा इसको अच्छे से खोल के करो, वन बाय फोर आया है भार, एक तरीके से वन बाय फोर तो आया भार बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए बी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वन बाय थ्री ए बी में से वन बाय टू ए बी माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका, माइनस वन बाय सिक्स ए बी, और ये वाला सॉल्व करने पे आएगा प्लस वन बाय ट्वेल्व ए स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास वन बाय ट्वेल्व कॉमन लेने पे बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर बन चुका है विच इज इक्वल टू बी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास वेरियंस निकल के आया है, तो मीन हो गया वेरियंस हो गया। एक हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और निकालते थे, ठीक है, तो उसको भी इस केस के अंदर हम इजिली निकाल सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो सबसे सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम कर रहे हैं, इसके क्वेश्चंस आपके पास फिर भी ठीक रहते हैं। ए से बी एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की टी एक्स का निकालें, तो ए से बी ई की टी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ए से बी ई की टी एक्स एफ एक्स कितना, वन बाय बी माइनस ए डी एक्स हो जाएगा, वन बाय बी माइनस ए बारह, इसका इंटीग्रेशन ई की टी एक्स अपॉन टी ए बाय बी। यहाँ से क्या आ गया आपके पास, सिंपल सॉल्व हो गया, ठीक है ना, सिंपली सॉल्व हो चुका है आपके पास, टी बाहर आ चुका है टी भी, और ऊपर हो गया बी टी माइनस ए टी, ये आपका फाइनल आंसर आ गया इसके अंदर। एडिटिव प्रॉपर्टी तो इसमें शो करना टिपिकल ही है, चेक कर सकते हो आप, डिफरेंस में आ रहा है, डिफरेंस में कैसे ऐड करोगे, कहाँ बना पाओगे, ठीक है ना। तो एडिटिव की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे क्योंकि वो फॉलो नहीं होगी। इसका एक और चीज़ इन्होंने एक्स्ट्रा निकाली हुई है इसमें, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, एक मीजर और निकाल रहे हैं हम इसका, मीन डेविएशन अबाउट मीन। यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ, चलिए
तो क्या था फॉर्मूला, क्या होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन का, कुछ बताओ फॉर्मूला क्या था। इंटीग्रेशन मोड एक्स माइनस एक्स बार इंटू एफ एक्स डी एक्स। यस, इंटीग्रेशन आपका चलता है, मोड लेते हैं आप एक्स माइनस मीन का इंटू एफ एक्स डी एक्स, और जिस पे भी वैल्यू है ए से बी पे हमारे को, हमने ए से बी ले लिया, वैसे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब आपका मीन तो निकला ही हुआ इस केस में, विच इज बी माइनस ए बाई टू, एफ एक्स भी है वन बाय बी माइनस ए डी एक्स। तो सिंपली बस आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने का मॉड फंक्शन है तो हम अंदर वाले को पुट कर लेते हैं कुछ ना कुछ, ताकि मोड इजिली सॉल्व हो जाए। तो हमने ये मोड वाले पूरे को टी पुट कर लिया, पुट टी इज इक्वल टू एक्स माइनस बी माइनस ए बाय टू। जब आप टी को ए लोगे, सॉरी एक्स को ए ले रहे हो, यहाँ ए पुट किया, टू ए माइनस बी प्लस ए। ध्यान से देखें, अगर हम क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, ए प्लस बी बाई टू, इसकी मीन था ना, हाँ पुट किया तो क्या बन गया आपका, यहाँ पे ए पुट किया तो टू ए माइनस बी माइनस ए, तो ए माइनस बी आ जाएगा। तो ए पुट करने पे आपका ए माइनस बी आ रहा है, तो मैं लिख रही हूँ माइनस बी माइनस ए, माइनस कॉमन लेके पहले बी ले लिया फिर ए ले लिया, नो प्रॉब्लम। बी पुट करेंगे तो बी माइनस ए ही आ जाएगा सिंपल, बाय टू अंदर हो गया मोड टी वन बाय बी माइनस ए डी टी आ गया, क्योंकि डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, सिंपल आएगा। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, किसको, बाय टू ऊपर हो गया बी माइनस ए बाय टू मॉड ऑफ टी, और वन बाय बी माइनस ए आ गया बाहर डी टी। अब मोड फंक्शन हमेशा क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, पॉजिटिव रहता है, इवन फंक्शन होता है। तो हम नीचे नेगेटिव है उसी का, ऊपर उसी का पॉजिटिव है, तो ट्वाइस ऑफ करके लिख सकते हैं, इसको जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रखी है, मोड ओपन हो जाएगा क्योंकि इस एरिया में तो पॉजिटिव ही रहेगा जीरो से बी माइनस ए बाय टू में, इसलिए हमने क्या किया इसको जीरो से स्टार्ट कर दिया और ट्वाइस कर दिया है जो भी आंसर आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाय टू, बाय टू से ऊपर वाले टू कैंसिल, सिर्फ बचा बी माइनस ए, टी स्क्वायर में पुट हो गया जीरो से बी माइनस ए बाय टू, इसमें पुट करोगे बी माइनस ए बाय टू का होल स्क्वायर, बाय में बी माइनस ए, एक इससे कैंसिल हुआ नीचे फोर हो गया, फाइनल आंसर इज दिस। तो बी माइनस ए बाय फोर, ध्यान से देखो मीन डेविएशन, जो एंड पॉइंट्स का डेविएशन है उसका फोर्थ पार्ट निकल के आया मीन डेविएशन आपके पास, मीन से इतना डेविएट हो रहा है ये वाला पॉइंट। और अगर हम ध्यान से देखें जो हमने इसका ग्राफ बनाया था, ये एक्स इज इक्वल टू ए था, ये एक्स इज इक्वल टू बी था, से दिस इज हमने क्या कहा था पॉइंट वन बाय बी माइनस ए, ये हमने कहा था वन बाय बी माइनस ए। अब हम कह रहे हैं कि आपका जो मीन है ए प्लस बी बाय टू, मतलब यहाँ कहीं आएगा मीन इन दोनों के हाफ पॉइंट पे, इन दोनों के सम का आधा, तो यही बनेगा ए प्लस बी बाय टू, मीन सेंटर में लाई करता है। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इतनी इधर है उतनी इधर है, कोई फर्क ही नहीं होगा, तो बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट आएगा। अब हमने क्या किया, हमने देखा है कि जो इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है सारी एक्स की, वो कितनी डेविएट है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाला था हमने, तो वो हमारा कितना निकल के आया है, जो इसका डिफरेंस है इसमें से, इसको माइनस करना, यही डिफरेंस है, इसका फोर्थ पार्ट निकल गया। फोर्थ पार्ट मतलब कुछ इतना, ये लगा लो चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, इतना ये मीन से डेविएट है, इतनी ज्यादा इसमें डेविएशन है, कितनी डेविएशन है, वन फोर्थ पार्ट पे फैला हुआ है, उसके आसपास हमने कहा है कि कहीं ना कहीं आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन मिलेगा। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन निकल के आई है यहाँ पे। अब जो हमने ये निकाला है, देखते हैं इसको यूज कैसे कर सकते हैं। जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं उस पर चलते हैं। जैसे हमने पिछले वाले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन कहे थे आपको, इक्वली लाइकली आउटकम्स होने चाहिए, एग्जॉस्टिव केसेस होने चाहिए, जैसे हमने डाई का एग्जाम्पल लिया था, अनबायस क्वाइन का एग्जाम्पल लिया था। तो इसमें देखते हैं किस तरीके के एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसी से चलते हैं। 9.22 एग्जाम्पल है आपकी बुक में,
सबवे ट्रेन्स का एग्जांपल है, सबवे ट्रेन ऑन ए सर्टेन लाइन रन एवरी हाफ आवर बिटवीन मिडनाइट एंड सिक्स इन द मॉर्निंग। ये कह रहा है कि रात को 12 बजे से लेके मिडनाइट, मिडनाइट की हम बात कर रहे हैं, 12 से लेकर 6 बजे तक, सुबह के 6 बजे तक, मतलब लगभग 6 घंटे एक ही लाइन पे हर आधे घंटे में वो रन करती है, हर आधे घंटे में वो रन करती है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एंटरिंग द स्टेशन एट अ रैंडम टाइम। ये कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर एक आदमी स्टेशन पे एंटर करे किसी भी रैंडम टाइम पे ड्यूरिंग द पीरियड, उसी पीरियड के दौरान, मतलब 12 से 6 बजे के बीच में एक कोई भी पर्सन आता है, सपोज आप ही चले गए, तो ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि आपको कम से कम 20 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो आपको कम से कम 20 मिनट कब वेट करना पड़ेगा, जब या तो तभी के तभी ट्रेन चली गई उसके आधे घंटे बाद आने, अब अगली तो हमारी ये है ना, आधे घंटे बाद निकल रही है वो चीज़, तो जो अब अगली ट्रेन आएगी वो आधे घंटे बाद आएगी। हो सकता है आप ट्रेन के जाते ही पहुंच गए तो आपको 30 मिनट पूरा वेट करना पड़ेगा, हो सकता है आप ट्रेन के जाने के 5 मिनट बाद पहुंचे तो आपको 25 मिनट वेट करना पड़ेगा, हो सकता है आप ट्रेन के जाने के 10 मिनट बाद पहुंचे तो आपको 20 मिनट वेट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ तक अलाउड है। इसलिए कम से कम 20 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, मतलब आप ट्रेन के जाने के 5 से 10 मिनट तक पहुंचे, 10 मिनट से पहले नहीं पहुंचे, पहले पहुंच गए तो फिर आपका काम खराब हो जाएगा, ठीक है ना। या तो आपने क्या किया है कि 0 से लेकर 10, ये कुछ क्वेश्चन ऐसा है, लेकिन अब क्वेश्चन को हम कनेक्ट कैसे करें। क्वेश्चन तो हमें समझ आ गया कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है रात को 12 से सुबह 6 बजे तक आपकी ट्रेन चल रही है, हर आधे आधे घंटे बाद ट्रेन आ रही है, आप रेंडमली एंटर किए हो, तो हमने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम आपको 20 मिनट वेट करना ही पड़ेगा अगली ट्रेन के लिए, तो वो उसकी पॉसिबिलिटी निकालो। क्वेश्चन समझ आ गया मैं, लेकिन ये यूनिफॉर्म का कैसा बना है, ये उस पर कैसे जा रहा है, ये अब आप मुझे बताओगे। तो बता सकता है कोई तुम में से, यूनिफॉर्म में रैंडम वेरिएबल क्या होता था, एक फिक्स्ड इंटरवल टाइप नहीं था ए से बी, ऐसा ही कुछ था। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम इंटरवल है, ये बात कर रहा है कि कम से कम 20 मिनट उसको वेट करना पड़े, मतलब वो वेटिंग टाइम की बात कर रहा है। यहाँ पे आपको एक्स बनाना है, तो कितना वेटिंग टाइम हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम वेटिंग टाइम क्या है किसी बंदे के लिए, और कम से कम वेटिंग टाइम क्या है किसी बंदे के लिए, बता सकते हो मैम? कम से कम तो 0, कम से कम 0 हो सकता है, उसके आते ही ट्रेन आ जाए, भाई आधा घंटा पूरा हो चुका तब पहुंचे, तो कम से कम 0। यस, मैक्सिमम 30, मैक्सिमम मैम 30 मिनट, पूरे 30 मिनट हो सकता है ट्रेन उसी के आगे से निकल गई है, वो नहीं पकड़ पाया, उसको अगली ट्रेन पकड़नी पड़ेगी जो 30 मिनट बाद आएगी। तो जो वेटिंग टाइम फॉर पर्सन लिया हमने वो ए से बी के बीच में लाई करा 0 से 30, और यहाँ पे जो हमारा एफ एक्स क्या होता है, अब हमारा यहाँ पे ये एक तरीके से 0 से 30 के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हम कैसे कह सकते हैं, हमने वेटिंग टाइम इन मिनट्स लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूनिट टाइम का वेटिंग टाइम अगर हम निकालें, हम किस में बात करना चाह रहे हैं, एफ एक्स क्या होता था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बनता है कॉन्टिन्यूस के केस में वो कर्व, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका इक्वली लाइकली ही केसेस बन रहे हैं, इक्वली लाइकली कैसे कि 30 मिनट में एक ट्रेन आनी है, लिख देती हूँ ऊपर मैं, वन ट्रेन इन 30 मिनट, तो 1 मिनट में आप कितने ट्रेन बोल सकते हो, 1/30, अगर मतलब अगर हम उस बात पे लेके जाएं तो पर मिनट की अगर हम बात करें तो 1/30 हो जाएगा पर ट्रेन के लिए, यही हो जाएगा 1/1 मिनट में। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली हर एक को हमें 1/30 ही प्रोबेबिलिटी असाइन करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर मैं ये कहूँगी कि प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर इक्वल टू 20 निकालना, में कम से कम उसको 20 मिनट वेट करना पड़े, 20 या 20 से ज़्यादा, इट मीन्स जो वेटिंग टाइम है, वेटिंग टाइम निकालना हमें, वो क्या हो जाए आपका 20 से 30 तक हो उसका, 20 से 30 मिनट तक उसको वेट करना पड़े
ठीक है ना, हमें क्या करना है उसको टाइम निकालना, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वेटिंग टाइम की। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 20 से 30, तो एफ एक्स 1/30 था आपका, और इसका इंटीग्रेट करोगे 1 का इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एफ एक्स तो 1/30 था, बाहर आ गया 30 - 20, तो यहाँ से क्या निकल के आया 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी कि उसको वेट करना ही पड़ेगा 20 मिनट या उससे ज़्यादा, उसके चांसेस है 33%, 33% चांसेस हैं कि जो भी बंदा आएगा उसको 20 या 20 से ज़्यादा मिनट वेट करना ही पड़ेगा, ये हमने निकाला। और ऑब्वियस सी बात थी, आप एक बात बताइए, हमें टोटल वेटिंग टाइम है 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट टोटल वेटिंग टाइम है, हम कह रहे हैं जो बंदा आए रेंडमली वो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो उसको 20 या 20 से ज़्यादा मिनट वेट करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको इक्वली लाइकली डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइड करें, कोई भेदभाव नहीं है वेट करने में, भाई ट्रेन बिल्कुल की बिल्कुल कैसी है, एक मैनुअली वे से चल रही है, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, आधा घंटा एग्जैक्ट मतलब आधा घंटा ही है, आप श्योर हो, तो मान लो 10 मिनट है, ये 20 मिनट है, एक तरीके से 1/3 पार्ट यहाँ पे, 1/3 पार्ट यहाँ पे, 1/3 पार्ट यहाँ पे, आपको यही तो निकालना था 20 से 30 तक वाला, 20 से 30 है क्या पूरे का 1/3 पार्ट है, तो आंसर तो यही आना था 1/3 पार्ट जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, अगर मैं आपको ये कहूँ कोई एक बंदा रेंडम आया है उसको 15 मिनट या 15 मिनट से ज्यादा वेट करना पड़ेगा, इसका मीनिंग क्या है, क्यों पूरे का कितना पार्ट है 15 या 15 से ज्यादा, पूरे का आधा पार्ट है वो, तो इस बार आंसर निकाल के देखना 1/2 ही आएगा। इस तरीके से मतलब जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली आपने कैसे पहचाना है कि ट्रेन जो है वो हर आधे घंटे बाद एग्जैक्टली आ रही है, तो यूनिफॉर्मली ट्रेन का पैटर्न है, एक जो पैटर्न है यहाँ पे जो एक्स है आपका वो यूनिफॉर्मली ऑन 0 to 30 मिनट में ट्रेवल कर रही है, ये हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, जो वेटिंग टाइम है वो यूनिफॉर्म है उस पर्सन के लिए, जो भी आएगा उसका कोई ये नहीं कि भाई वो VIP है या कुछ है, आना है उसको वेट करना है, जितनी देर में आएगी आएगी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर हुआ आपको ये? Yes, ma'am. इस टाइप के आपके इसके अंदर क्वेश्चंस आ सकता है, कुछ क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं इसके अंदर, जैसे 9.21 इससे पहले वाला ही था, वो मैंने कराया नहीं आपको, उसमें कुछ ये दिया गया x इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसने बता दिया आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जो भी ए भी पैरामीटर है उस पर, मीन आपको दिया गया, मीन क्या होता है, a+b/2 दिया गया 1, वेरियंस भी दिया इन्होंने 4/3, वेरियंस कितना होता है b - a/12 इसका होल स्क्वायर, ये वेरियंस दे दिया आपको, निकालना है प्रोबेबिलिटी x < 0, ये निकालने के लिए कहा आपको, देखो x < 0 निकालना है आपको, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा, मेन तो डिस्ट्रीब्यूशन है, अब a और b की वैल्यू नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाओगे, तो a और b की वैल्यू आप यहाँ पे कैसे बना सकते हो, कहीं से मिल सकती है आपको a और b की वैल्यू यहाँ पे, बताइए, रिपीट करना मैम क्या पूछ रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन तो बनाना पड़ेगा ना यूनिफॉर्म वाला, तो a और b की वैल्यू चाहिए, a और b की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, दो इक्वेशन है दो वेरिएबल है, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सिंपल सी बात थी, ये तो ठीक बात है ना, ये वाली ऊपर भी आपके दो वेरिएबल हैं नीचे भी दो वेरिएबल है, कैसे निकाल सकते हो, ऊपर से a+b = 2 आ गया, यहाँ से आया b - a का होल स्क्वायर 4/3 × 12, ये कट गया 16, तो b माइनस आएगा √16 मतलब ±4, ये आया आपका। अब यहाँ से हमें वो वैल्यू चाहिए क्योंकि a < b रहता है आपका, ठीक है ना, जो हमारा यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हो 1/b - a बनाना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली a < b होगा, तो आपको ऐसा चूज करना है a+b तो है 2, यहाँ से अगर मैं b - a 4 लेके चल पड़ी, लेकिन चलो देखते हैं क्या आएगा, a+b = 2 b - a = 4 ऐड करोगे ये तो कैंसिल हो गया, 2b = 8 b आ जाएगा 4,
बी फोर आ गया, ए कितना आ गया माइनस टू, बी फोर इधर रखोगे तो माइनस टू आ गया ए। तो यहाँ पे आपके पास देख लेना भाई कुछ गड़बड़ ना हुई हो सकता है आप, सॉरी सिक्स आएगा, ये थ्री है, फोर और टू सिक्स, बी थ्री आए थे माइनस वन, मतलब ए लेस देन बी ही आया आपके पास, मतलब ये केस एक्सेप्टेबल हो सकता है। दूसरा केस भी देख लेते हैं, दूसरे केस में क्या था, बी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस फोर, यहाँ ए प्लस बी इज इक्वल टू टू, एड करोगे टू बी इज इक्वल टू माइनस, तो अब बी माइनस वन आ गया, बी माइनस वन आते ही ए थ्री आ गया विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि हमें ए लेस देन बी चाहिए था, तो ये गलत हो गया, ये वाला ठीक है। इट मीन्स ए की वैल्यू माइनस वन आई है आपकी, बी की वैल्यू कितनी आई है थ्री आई आपकी। तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, ए की वैल्यू माइनस वन, बी की वैल्यू थ्री, और इस केस में वन बाय बी माइनस ए विच इज वन बाय फोर बन चुका है आपके पास, अदरवाइज जीरो। बस आपको प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन जीरो निकालनी, तो एक्स लेस देन जीरो में कौन कौन सा आएगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, एफ एक्स डी एक्स यही आएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक आंसर तो है जीरो, सिर्फ हमें माइनस वन से जीरो तक लेने की नीड है, और उसमें आंसर कितना है वन बाय फोर आंसर है, तो यहाँ वन बाय फोर रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। यस मैम, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स ट्राई करने हैं आपने, 9.24 भी है, 9.23 भी है, ये आपके हो जाएंगे इजीली। इसमें एक दो क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हैं जो आपने अभी तक नहीं किए हैं, बाकी आप सारे एग्जांपल्स कर पाएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रही हूँ जो डिफरेंट है आपका कुछ हद तक, एक्चुअली वो चेंज ऑफ पैरामीटर पे है, कि अगर आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से पूछेगा, किस तरीके से पूछेगा कि x1 x2 आपको इंडिपेंडेंट रेगुलर वेरिएट, रेगुलर वेरिएट मतलब वही पॉइसन वेरिएट दिए, सॉरी पॉइसन कह रही, यूनिफॉर्म वेरिएट ही दिए, अभी बताया था रेक्टेंगुलर हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को भी बोलते हैं, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के ही दे रखे हैं एक्स वन एक्स टू फॉलो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन जीरो टू वन, ये इंटरवल दे दिया आपको जीरो टू वन, तो आपको क्या डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के बताओ एक्स वन बाई एक्स टू का क्या डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, ये कहा है आपको, हमें ये निकालना है। तो यहाँ पे एक नया डिस्ट्रीब्यूशन बनाने को कहा है यूजिंग प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ ऐसा बोला है इन्होंने, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरा एफ ऑफ एक्स वन है जीरो से वन पे डिफाइन, कितना बनेगा वन बाई बी माइनस ए, वन ही बनेगा। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स टू भी सेम ही है, यूनिफॉर्म ही है, तो वो भी सेम बनेगा। अब क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी हम निकाल सकते हैं एक्स वन एक्स टू का, विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ, अलग अलग हो जाएगा ना, प्रोडक्ट में आ जाएगा, ये भी वन ही आएगा, मतलब तीनों ही आपको वन दे रखे, ज्वाइंट भी और मार्जिनल भी। हमें निकालना है एक्स वन बाई एक्स टू, तो जो ये एक्स वन बाई एक्स टू निकालना है इसको आप नया पैरामीटर मान लो, हम ट्रांसफॉर्म कर लेते, लेट द ट्रांसफॉर्मेशन क्या मान लिया, यू इज इक्वल टू एक्स वन बाई एक्स टू, और वी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले लो, वी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले लो जो आपको आसान लगे, पर ऐसा लो कि उनका जैकोबियन नॉन जीरो आना चाहिए। जैकोबियन किसी को पता है क्या होता है, याद है कुछ जैकोबियन कैसे निकालते थे? यस मैम, डिटरमिनेंट लेते थे, करली एक्स वन बाय करली यू, करली एक्स वन बाय करली वी, करली एक्स टू बाय करली यू, करली एक्स टू बाय करली वी, ऐसे ही लेते थे। तो यहाँ से जब हम इस पे काम करना चाहते हैं तो ऐसा लो वी जो ये नॉन जीरो बनाए, तो मैंने सिंपल ले लिया एक्स टू, क्योंकि एक्स टू लेने से मैं वेरिएबल इजिली सेपरेट कर पा रही हूँ, कैसे सेपरेट कर पा रही हूँ देखो, इसमें हम v पुट कर देंगे x2 की जगह पे, तो uv इज इक्वल टू x1 आ गया और v इज इक्वल टू x2 आ गया। तो यहाँ पे जब आप कर ली x1 बाय कर ली u निकालेंगे तो कितना आएगा v, कर ली x1 बाय कर ली v निकालोगे दैट इज u, कर ली x2 बाय कर ली u निकालोगे जीरो और ये वन, तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया v विच इज नॉन जीरो, v तो हमने एक नया लिया है ना x2 की वैल्यू, तो x2 जीरो थोड़ी ना। मैम ये ऐसे क्यों कंसीडर किए हैं, u इज इक्वल टू एक्सपेन बाय एक्स टू, एक्सपेन बाय एक्स टू का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहते हैं, तो मतलब इट मींस हम u का डिस्ट्रीब्यूशन अब निकालना चाहते हैं, ठीक है, हम u का डिस्ट्रीब्यूशन अब निकालना चाह रहे हैं कि u क्या बनेगा हमारा,
तो उसको निकालने के लिए हमने ये सब किया। अभी निकालेंगे, देखते जाओ कैसे बनेगा, प्रोसीजर है ये निकालने का नया डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अभी आपको x1 x2 में सब कुछ दे रखा है, x1 भी 0 से 1 लाई कर रहा था, x2 भी 0 से 1 लाई कर रहा था। तो अब देखते हैं, अगर हमारा x1 0 से 1 लाई कर रहा है और x2 भी 0 से 1 लाई कर रहा है, तो u और v कहां से कहां तक लाई करेंगे? देखो क्या रिलेशन है इसमें, x2 इज इक्वल टू v है, जब x2 0 से 1 था तो v भी कहां पे लाई कर गया, 0 से 1 ही लाई कर गया, सेम। ठीक है, और अब यहाँ पे जब आप x1 को 0 रखोगे तो uv 0 आएगा निकल के, और जब आप x1 को 1 रखोगे तो uv 1 निकल के आएगा। तो ये केसेस आए हैं हमारे पास, इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाओगे क्या आ जाएगा, थोड़ा सा टिपिकल है, यू कैन स्किप ऑल्सो दिस पोर्शन। ग्राफ अगर हम देखें, uv 0 का मतलब आइदर u0 और v0, तो u इज इक्वल टू 0 वाली लाइन आपकी ये हो गई, और v इज इक्वल टू 0 वाली लाइन आपकी ये वाली हो गई। यू वी इज इक्वल टू 1, जैसे ये क्या होता था आपका, v इज इक्वल टू 1 बाई u लिख सकते हैं, कुछ y इज इक्वल टू 1 बाई x जैसा, यही बनेगा। फिर आपने साथ में ये भी बोला है कि v की लिमिट 0 से 1 है, ये आपका v इज इक्वल टू 0 वाली लाइन और ये v इज इक्वल टू 1 वाली लाइन। इट मीन्स ये इस रीजन में आपसे बात करना चाह रहा है, बस इस लिमिट के अंदर ही आपसे u का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन चाहता है, u का इसके अंदर। तो इस रीजन के अंदर u दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, u का इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है ये वाला, मतलब u को हम दो पार्ट में अलग अलग निकालेंगे, एक तो इस वाले पार्ट में और एक हम इस वाले पार्ट में अलग से निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कैसे निकलेगा, अगर मैं रीजन वन की बात करूँ, से दिस इज रीजन वन एंड दिस इज रीजन टू। अगर मैं रीजन वन की बात करूँ, रीजन वन में बताओ मुझे U के लिए क्या क्या आंसर आएगा। देखो मैंने पहले भी कराए थे इस टाइप के आपको फिगर से, अब वही आपको कनेक्ट करना है दोबारा से, बस और कुछ नहीं करना है। अगर मैं जी वन यू की बात करूँ, जी वन यू रीजन वन में, रीजन वन में बात कर रही हूँ, तो रीजन वन के अंदर आपकी जो कर्व है, यहाँ पे वी ले लो क्योंकि यू का फंक्शन निकालना है, तो v की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, v इनिशियली यहां से शुरू हो रहा है, बताओ, जीरो से, यस जीरो से वन इस रीजन में। ठीक है, अंदर क्या रखना है, अंदर आपको रखना है g का डेंसिटी, वो जॉइंट डेंसिटी फंक्शन, यही रखते थे ना अंदर हम, याद आ रहा है आपको, जब हम सिर्फ मार्जिनल निकालते हैं तो u का निकालना चाहते हैं मार्जिनल, तो v के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन चलता है और अंदर ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो जी का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे निकलेगा, जो आपका एफ का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था एक्स वन एक्स टू में, उसको जस्ट जैकोबियन से आपको मल्टीप्लाई करना है बस। तो आपका एफ एक्स वन एक्स टू हमने निकाला था, एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स टू जो आया था वन, इंटू जैकोबियन कितना निकला आपका वी, वी निकला आपका जैकोबियन। तो जी यू वी का आंसर आ चुका है आपके पास वी, ये आपको यहाँ पे रखना है। तो यहाँ से क्या निकल आया, जी वन यू आपके पास, और ये किस से कितने तक निकला है, यू की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेकर ये पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वन, तो यू जीरो से वन तक बात कर रहे हैं। तो ये आंसर निकल आएगा, कितना आंसर निकल आएगा, वी स्क्वायर बाय टू वन बाय टू, तो इतने में निकल के आया वन बाय टू आपका जी वन यू। और सेकेंड रीजन में निकालू तो अब आप बताइए, सेकेंड रीजन में वी की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, जीरो से लेकर ये कौन सी लाइन थी, v इज इक्वल टू वन बाय u वाली। तो जब आप g टू u निकालेंगे तो उसको लिखते हैं, क्या आएगा आपके पास, g टू u मतलब सेकेंड रीजन की बात कर रहे हैं हम, कहां से कहां तक चले हो आप, जीरो से वन बाय u तक, अंदर वही v dv, सॉल्व करोगे वी स्क्वायर बाय टू और पुट हो जाएगा जीरो से वन बाय यू, पुट करते हाफ ऑफ यू स्क्वायर आपका आंसर आया। और ये किस वैल्यू के लिए आया, यू जब वन से इन्फिनिटी तक जा रहा था बाहर की तरफ, है ना, ऊपर फिगर से अगर आप देखोगे तो यही था आपके पास वन से इन्फिनिटी, ये देखो वन से लेकर इन्फिनिटी तक पूरा जा रहा है आपका यू। तो ये आपने यू का निकाल लिया, यू मतलब एक्स वन बाय एक्स टू का आपने मार्जिनल फंक्शन निकाल लिया जो हमें चाहिए था। तो दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखूं आपके पास क्या आया, यहाँ पे
दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, u इज इक्वल टू एक्स वन बाय एक्स टू, जिसमें जी ऑफ u दिया जा रहा है आपका 1/2, जब u 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और 1/2 यू स्क्वायर जब 1 से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है। तो ये आपके पास इसका डिस्ट्रीब्यूशन बन के आया। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन एक दो बार देखोगे ईजी लगेगा आपका, फटाफट हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमने इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी किए हैं, ज्वाइंट से मार्जिनल निकालने वाले, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, नया सब्स्टिट्यूट करके ज्वाइंट से मार्जिनल निकाल रहे हैं बस। ठीक है, आज इसकी प्रैक्टिस करो।